दोस्तों नमस्कार। पटना सिविल कोर्ट के द्वारा आपको स्टेनोग्राफर, क्लर्क और रीडर और पियोन की भर्ती निकाली गई थी, उसके फॉर्म का प्रोसेस समझेंगे कि उनको फॉर्म किस तरह फिलअप करना है उसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। सर्वप्रथम आपको पटना सिविल कोर्ट की साइट ओपन करनी है, जो कि ये इसकी साइट है http://district.ecourt.gov.in। पटना की ये साइट है, इस पर आपको सर्च करना है। जैसे इस पर सर्च करेंगे आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ये आ जाएगा, ऊपर फर्स्ट पे ये पेज है जो सिविल कोर्ट का है, और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपने को रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे रिक्रूटमेंट टैब पे किया गया, यहाँ पर सभी प्रकार की भर्ती चल रही वो जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको फर्स्ट में जो दिख रहा है लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और पियोन की जो भर्ती थी उसके लिए यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक PDF के रूप में पेज ओपन होगा, जो आपको कुछ जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक हेयर पे टिक करना है आपको। जैसे क्लिक हेयर पे टिक करेंगे आपको न्यू साइट पे लेके जाएगा, जो फॉर्म फिलअप करने की साइट है। अपन सीधे वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फाइल ओपन हो शुरू की है और अपना फॉर्म भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी देख पा रहे हैं यहाँ ऑफिस ऑफ कन्वेनर सेंट्रलाइज सेलेक्शन एंड अपॉइंटेड कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जज पटना, ये आ गया है पेज। यहाँ पर अपने को फॉर्म फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल देना है, एजुकेशन डिटेल देनी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फॉर्म को प्रिंट करना है और एडमिट कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। इस कर्म के अंदर, स्टेप के अंदर अपने को फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सर्वप्रथम अपने को रजिस्ट्रेशन कर देना है, तो इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कुछ एक डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप फॉर्म किसके लिए फिलअप कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो उसको देना, जैसे कि मैं क्लर्क के लिए करता हूँ, तो यहाँ पर क्लर्क फिल करना। उसके बाद में खुद का नाम करना है और खुद का नाम कन्फर्म करना है, मदर नेम, फादर नेम, ये सभी जानकारी आपके 10th के अकॉर्डिंग देनी है। और आप किसी भी तरह की जानकारी को सही सही फिल करें, आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए कोई भी जानकारी है जो गलत ना फिल करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे भर्ती संबंधी आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो यहाँ पर आपको स्वयं का नाम देना है, उसके बाद में आपको नाम स्वयं का फिर देके वेरीफाई करना है। आपको इस नाम के आगे मिस्टर, मिसेज या श्रीमती ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको मदर फादर का नाम देना है, आपका DOB है वो इधर देना है। उसके बाद में आपका लिंक देना है, उसके बाद नेशनलिटी देनी है, आपका वैवाहिक स्थिति है, ईमेल कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर और कंफर्म करना है। उसके बाद में आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंसी हैं, बिहार के मूल निवासी है, तो ये करना है यहाँ पर, अन्यथा आपको नो करना है। उसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है वो सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद में आपको फोटो आईडी प्रूफ देना है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या कोई अन्य है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन या फिर यहाँ पर कुछ आपको डिटेल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ है वो उस नंबर दे देना है इधर, जो आप आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके यहाँ पर जो विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर आपका पहचान चिन्ह दे सकते हैं, जैसे कि आप अपना बॉडी मार्क कोई भी है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो भी आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रीडम फाइटर हैं आप तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना है। अगर आप बिहार सरकार के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसने 3 साल की सर्विस है, जो रेगुलर है, जिसने कर दी है और या फिर वो कंटिन्यू उसकी जारी सर्विस है, तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, FIR रजिस्टर्ड वगैरह कुछ है, तो आप ये कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना है। उसके बाद में डिक्लेयर पे टिक करके आपको सबमिट पे टिक करना होगा। जैसे आपने पॉपअप को ओके किया तो यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड मिल चुका है, आपकी डिटेल भी आ चुकी है, यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद में मेक पेमेंट करना है, फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट है जो 400 रुपये का फीस है, जो डायरेक्ट करवाना होगा पहले, उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ पर अपने मेक पेमेंट पे टिक करना होगा और यहाँ से अपने को पेमेंट डायरेक्ट करवाना होगा।
पेमेंट के लिए SBI बैंक ओपन हो सकेगा, यहाँ से आपको यस करना है और प्रोसेस पे टिक करना होगा। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूट क्या है उसके बारे में सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई आपके है एलिजिबल तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पर रिक्वायरमेंट का टैब दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके गो पे टिक करना होगा। जैसे गो पे टिक करेंगे अगले पेज पे अपन चले जाएंगे, जहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको कौन सी है, ये अभी रिक्वायरमेंट चल रही है, आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट पे टिक करना होगा। यहाँ देख पा रहे हैं सिविल कोड पटना आ चुका है अपने भर्ती का, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस है इस पर टिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे टिक करना है, यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की जानकारी देनी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसके बाद में आपकी पोस्ट किसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे मैं कल रख के कर रहा था, उसके बाद में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कौन सी कैटेगरी थी, जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर से आपको मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर है और कैंडिडेट का नेम दर्ज करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को फीस भी मिल जाएगी कि जनरल EWS स्टूडेंट है, कलर्क के लिए उसके 800 रुपये की फीस है, उसके बाद में कलर्क SC ST का स्टूडेंट है, BA स्टूडेंट 400 रुपये, उसके अलावा जनरल EWS या BS या ABS का स्टूडेंट है उसके लिए स्टेनोग्राफर का 11 है 800 रुपये है। यहाँ पर आपकी जो भी फीस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप किया था आपने। उसके बाद आपको रिमार्क देना है, आप रिमार्क लिख सकते हैं कि भर्ती के जो फॉर्म फिलअप किया था इसकी जो फीस है डिडक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल है वो यहाँ देनी है, जैसे आपका नाम है, आप डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और उसके बाद में ये कैप्चा डाल के आगे आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपकी फीस डिडक्ट कम्प्लीट रूप से यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी को ही सेलेक्ट करें, अन्य किसी को भी कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फॉर्म फिलअप करने के बाद में वापस आपको पटना सिविल कोड का पेज है वहाँ पर जाना है, फीस डिडक्ट करवा के वापस आप होम पेज पे आ जाएंगे, वहाँ से रिक्रूटमेंट टैब क्लिक करके आप आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है, आपने ऑनलाइन मोड से किया है ऑफलाइन मोड से किया है, उसके बाद में अमाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपने ट्रांजेक्शन कब किया है वो डेट डालनी है, और आपको ट्रांजेक्शन आईडी नंबर यहाँ पर दर्ज करके आपको सबमिट पे टिक करना है। जैसे सबमिट पे टिक करेंगे आप पर्सनल डिटेल पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं वहाँ पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी होगी बाद में, और फिर आपको एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट करनी है, फिर आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है, उसके बाद में आपका फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।